आप अजय देवगन के फैन हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तानाजी मूवी के इस बिहाइंड द सीन यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें जरूर पसंद करने लगोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी का यह लोकेशन संधान वैली का है। यह लोकेशन महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस लोकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह 300 फीट गहरा है और यह लोकेशन मुंबई के बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट में भी गिना जाता है। मूवी में आपने इस जगह फाइटिंग सीन देखे थे। इस लोकेशन पर शूट करना इतना आसान नहीं था, तो इसलिए फिल्म निर्देशक ने यह डिसीजन लिया कि क्यों ना इस वैली को ही स्टूडियो में उठा लाया जाए। आप यहां सेट देख रहे हो, यह सेट फिल्म सिटी के अंदर का है, यानी यह फिल्म सिटी मुंबई का ही सेट है। इसे VFX स्टूडियो में तैयार किया गया था एंड स्टूडियो को बनाने में पूरे 3 साल लग गए थे। आप जो यहां पत्थर देख रहे हो, यह पहाड़ की तरह आपको दिख रहा है, वह असल में पत्थर ही है। इसे ट्रक में भर भर कर यहाँ लाया गया ताकि इसे फिल्म सिटी के अंदर की यह लोकेशन को पहाड़ की तरह दिखाया जा सके। इसे ब्लू और ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर रखा गया है ताकि इसमें विजुअल इफेक्ट्स जोड़े जा सके। मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी एंड इसे बनाने में 125 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि तानाजी फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 368 करोड़ है और यह ब्लॉकबस्टर फिल्म है। मूवी का यह सीन संधान वैली का ही है। यह उस समय फिल्माया गया था जब उदय भान तोप के साथ कोंडाना पर चढ़ाई करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ उन्होंने होशियारी से तानाजी के आदमी को ही आगे भेजा था जिससे तानाजी की प्लानिंग का पता उसे चल सके। यह उसी समय के फाइटिंग सीक्वेंस का सीन है जब संधान वैली के टॉप से तानाजी अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों पर हमला करते हैं। यह लोकेशन फिल्म सिटी का ही है, लेकिन उससे क्या, शूटिंग में तो मेहनत उतनी ही लगी ना। मूवी में आप इस नेपाली मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को नहीं देख पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको बिहाइंड द सीन ही देखना होगा। दरअसल इनकी मेहनत मूवी में रंग लाई है और वह इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस इंस्ट्रक्टर हैं और अजय देवगन के डबल बॉडी भी हैं। तानाजी मूवी की स्टोरी तानाजी मालुसुरे और उदय भान की लड़ाई पर फोकस्ड है। मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर उदय भान छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन से कोंडाना साम्राज्य छीनना चाहता है, लेकिन उदय भान को सामना करना पड़ता है छत्रपति शिवाजी के सूबेदार तानाजी मालुसुरे से। इंडियन हिस्ट्री में तानाजी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर है। मूवी में तो आपने देखा ही था कि उदय भान ने किस तरह धोखे से तानाजी को मारा। यह घटना 1328 AD का है। मूवी को रियलिस्टिक टच देने के लिए जर्मनी के मशहूर एक्शन डायरेक्टर रामाजान को हायर किया गया था एंड उन्होंने वार्नर ब्रोज के लिए भी काम किया है, तो मूवी ऐसे में बननी जो अच्छी थी वो तो बननी तय ही थी। मूवी का यह सीन आपको कई जगह दिखाया गया होगा। एक्चुअली इस तरह से घुड़सवारी का सीन शूट किया गया था। एक्चुअली यह सीन एक रोबोटिक घोड़े पर ही फिल्माया गया था जिसके ऊपर तानाजी का किरदार निभा रहे अजय देवगन आपको दिख रहे हैं। वहीं उनके इस मोशन को कैप्चर करने के लिए रोबोटिक कैमरे भी लगाए गए थे जिससे इस सीन को बारीकी से कैद किया जा सके। तो यह है इस सीन की सच्चाई एंड मूवी में कुछ इस तरह से आपको दिखाया जाता है। सीन को रोबोटिक घोड़े पर शूट करने के बाद उसको CGI के माध्यम से एक रियल हॉर्स में तब्दील किया गया, जो बाद में आपको कुछ ऐसा देखने को मिला था। मूवी का यह सीन कोंडाना किले का ही है। जब उदय भान के द्वारा कब्जा किए गए किले को मुक्त कराने के लिए तानाजी अपने साथियों के साथ उन पर हमला करते हैं, यह फिल्म सिटी के VFX स्टूडियो में ही शूट किया गया है एंड आप यहां देख सकते हो कि इसे शूट करना कितना डिफिकल्ट था। आर्टिस्ट को क्रेन के सहारे स्टंट करने पड़े थे क्योंकि सेफ्टी का तो ध्यान रखना ही पड़ता है और इस तरह के सीक्वेंस शूट करने में अक्सर चोट लग ही जाती है।
तो इस तरह से मूवी का क्लाइमेक्स शूट किया गया था। अगर आपने इस मास्टरपीस मूवी को नहीं देखा है या दोबारा देखना चाहते हो तो डिज्नी प्लस स्टार पर देख लो या अवेलेबल है। एंड आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो एक लाइक कर दीजिए, और ज्यादा अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिटा दूंगा उस भगवे का नामो निशान जमीन से और आसमान से। तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है।